एक और गायिका ऐसी थी जिनके जिनको जिनकी आवाज लता मंगेशकर से बहुत मिलती थी, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर उनके आप कुछ गीत सुने तो आप भी पहचान नहीं पाएंगे कि ये आवाज लता मंगेशकर की है या सुधा मल्होत्रा की। सुधा मल्होत्रा ने, आपको अगर याद हो पुरानी फिल्मों का, तो बाबर का एक गीत गाया था, सलाम ए हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। आप अगर ये सुनेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं कर पाएगा कि वो लता ने गाया है या सुधा मल्होत्रा। तो और सुधा मल्होत्रा ने जो एक गीत गाया था, साहिर साहब का लिखा हुआ था, तुम अपना तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है मुझको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। और शायद कम लोग ये जानते होंगे कि सुधा मल्होत्रा ने जिस गीत को गाया है वो इसकी संगीतकार, वो पहला और आखिरी गीत है जिसकी संगीतकार भी वही है। इस फिल्म के सारे गाने, गानों का संगीत एन दत्ता साहब ने दिया था, और जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी उनको हार्ट अटैक आया और वो उस दिन जो है अस्पताल में दाखिल हो गए। मुकेश के साथ ये डुएट था, तो साहिर साहब ने सुधा मल्होत्रा से कहा कि आप इस गीत की अब ट्वीट करें, ट्यून करें, संगीत आप खुद दें। उन्होंने कहा जिंदगी में मैंने तो कभी नहीं किया ये। मुकेश ने भी हौसला बढ़ाया और केवल 24 घंटे में उन्होंने इसकी धुन तैयार की और मुकेश के साथ उन्होंने गीत गाया और अब